Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. And today we will discuss our MV Moral Value chapter number 6, and chapter name is Appreciation. Appreciation means recognize something or someone as significant is appreciation. Okay, किसी के भी जो व्यक्ति की को पहचानना, उसके गुणों को पहचानना, okay, वो ही क्या है, उसे ही हम appreciation या प्रशंसा कहते हैं. When we praise someone, we are appreciating the person or his or her act. जब भी हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो it means क्या होता है, हम उस व्यक्ति के द्वारा, उस person के द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं. Okay, जो भी उसने work किया है, act किया है, हम उसकी क्या कर रहे हैं, praise कर रहे हैं, उसे appreciate कर रहे हैं. There are several ways of appreciating a person. किसी भी व्यक्ति को appreciate करने के, उसकी प्रशंसा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. We may use expression like well done, very good, keep it up, etc. Okay? तो हम इस तरह के expression हैं, means well done, very good, keep it up, इन सब का हम use करते हैं. We may appreciate a person through our gesture. हम किसी person का जो appreciation है या सराहना है, वो हम gesture means इशारों के माध्यम से भी कर सकते हैं. Like a smile, a clap, or a pat often signifies appreciation. Means एक मुस्कान, मुस्कुराहट, और उसके अलावा एक ताली, हम उसके लिए clap कर सकते हैं. और a pat means आप उसे पीठ पर जो हम शाबाशी देते कहते हैं जिसे, ओके, ये भी क्या है, अप्रिशिएशन के ही निशानियां होती हैं, साइंस होते हैं. वी मे राइट अ नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड. हम एक उसे क्या लिख सकते हैं, एक नोट भी लिख सकते हैं. ग्रेटिट्यूड मीन्स धन्यवाद कहने के लिए, ओके, हम उसका, उसके लिए एक नोट भी राइट कर सकते हैं. इट इज अ साइन ऑफ अप्रिसिएशन. ये भी एक अप्रिशिएट करने का, किसी की तारीफ या प्रशंसा करने का तरीका है. We all like to be appreciated. और हम सभी को, हम सभी सराहना को या appreciation को क्या करते हैं, पसंद करते हैं. हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें appreciate करे, हमारी प्रशंसा करे, तारीफ करे. We want to hear good things about ourselves and our deeds. And हम अपने अपने लिए और अपने कामों के लिए क्या सुनना चाहते हैं, अच्छी बातें, अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं. We need encouragement. और हमें किसकी जरूरत होती है, encouragement means प्रोत्साहन की, ठीक है, कोई हमें प्रोत्साहित करे हमारे कामों की, हमारे जो भी हमने वर्क किया है, और हमारी क्या करे, तारीफ करे, तो उससे हमें क्या मिलता है, encouragement मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छे से वर्क करते हैं. We need a pat on our back for everything we do. हम अपनी पीठ पर, अपने बैक पर क्या चाहते हैं, एक तारीफ चाहते हैं, ठीक है, कि कोई हमारी पीठ थपथपाए, हमें शाबाशी दे जो भी हमने किया है वर्क. It is a natural human need. और ये एक natural human need means एक स्वाभाविक जरूरत है किसी भी इंसान की, human being की, ये एक natural need है या जरूरत है, और सभी human being से चाहते हैं कि जो भी वो work करते हैं उसके लिए उन्हें appreciate किया जाए. Everybody from a little child to an elderly person wants to be appreciated. एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक, elder person तक, हर कोई ये चाहता है कि उन्हें appreciate किया जाए, उनकी जो भी वो work कर रहे हैं उसके लिए उनकी तारीफ की जाए. When a person is appreciated, he feels happy. जब भी किसी person को appreciate किया जाता है, उसके काम की सराहना की जाती है, तो वो कैसा feel करता है? Happy feel करता है. He gets satisfaction in the work. और जो भी उसने work किया है, उसमें उसे क्या मिलती है? काम जो भी वो करता है, उसमें उसे satisfaction में संतुष्टि मिलती है, ठीक है? वो satisfied होता है कि हाँ, मैंने ये काम को बहुत अच्छे से किया है और इस work के लिए मुझे appreciation मिला है, मेरी तारीफ की गई है, means मैंने ये काम बिल्कुल सही किया है. He gets encouragement and his performance improve. वो अपने आप को encouragement मिलता है इससे, प्रोत्साहन मिलता है उसे, और वो अपने performance है उससे क्या करता है, improve करता है. Means उसने last time जो work किया था, next time वो उससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, अपनी performance को improve करता है. This is true in the case of all of us. और ये हम सभी के लिए के मामले में ये सच है कि ऐसा ही होता है. If appreciation helps so much, why don't we appreciate others? अगर appreciation इतना help करता है किसी व्यक्ति को, प्रशंसा इतनी मदद कर सकती है, तो हम दूसरों को appreciate क्यों नहीं करते हैं, उनकी सराहना क्यों नहीं करते हैं?
द रीजन इज आर प्राइड एंड आर सेल्फिशनेस. इसका रीजन क्या है? हमारी जो अभिमान है, प्राइड है, एंड हमारा जो स्वार्थ है. ओके, सेल्फिशनेस मीन्स स्वार्थ एंड प्राइड मीन्स अभिमान, एंड जो हमारा स्वार्थ है वो हमें ऐसा नहीं करने देता है. इन आर प्राइड We fail to see other as better than ourselves. अपने pride में या अभिमान में, ego में हम ये भूल जाते हैं, हम ये देखने में असमर्थ होते हैं कि कोई हमसे भी अच्छा हो सकता है. In our selfishness, we do not want to praise or appreciate other. और हम selfishness के कारण दूसरों की praise करना या तारीफ करना नहीं चाहते. We must understand that there is a good and bad in everybody. हम सब समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं. There is nobody who has only bad quality, nor is there anybody who has only good quality. ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास केवल bad qualities या बुरे गुण हैं, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास केवल अच्छी qualities हैं, good qualities हैं. Even the worst person in the world will have plenty of good things which we can appreciate. बल्कि जो इस संसार का सबसे बुरा व्यक्ति है, इस संसार का जो सबसे खराब व्यक्ति है, उसके पास भी बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं जिसे हम appreciate कर सकते हैं, जिसकी हम तारीफ या प्रशंसा कर सकते हैं. This is where our habits play a great role. इस तरह हमारी जो ये आदत है वो एक बहुत ही महान भूमिका निभाती है, एक ग्रेट रोल प्ले करती है दूसरों के लिए. कैन वी फाइंड द गुड थिंग्स इन अ प्रॉब्लम? क्या हम एक प्रॉब्लम में भी अच्छी चीज को ढूंढ सकते हैं? एक समस्या में भी, एक प्रॉब्लम में भी हमें अच्छी चीजें मिल सकती हैं? आर वी इन द हैबिट्स ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स? क्या हम दूसरों की, हमें आलोचना करने की, क्रिटिसाइज में दूसरों की बुराई करने की, ओके, उनकी जो बैड थिंग्स हैं या उनके उनकी जो नेगेटिव थिंग्स हैं, हम हमेशा उन्हें ही ढूंढते हैं, ओके. तो क्या हमारी दूसरों को आलोचना करने की, दूसरों की बुराई करने की आदत है? वी विल फाइंड वट वी आर सर्चिंग फॉर. हम वही खोजेंगे जो हम खोजना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, ओके. हम किसी भी दूसरे पर्सन में, सामने वाले पर्सन में सिर्फ वही देखेंगे, वही फाइंड आउट करेंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. अगर हम अच्छी चीजें, इफ वी लुक फॉर द गुड एस्पेक्ट्स वी शैल सी देम. अगर हम अच्छी चीज देखना चाहते हैं तो हमें उसमें अच्छाई दिखाई देगी. एंड इफ नॉट वी विल सी ओनली द बैड एस्पेक्ट. बट और यदि हम उसके बैड एस्पेक्ट्स को, बुरी जो थिंग्स हैं उन्हें देखना चाहते हैं, तो हमें बुरी चीजें ही दिखाई देती हैं. इट टेक्स अ ग्रेट माइंड टू सी द गुड इन अदर्स. दूसरों में कुछ अच्छा देखने के लिए एक बहुत ही ग्रेट माइंड, मीन्स शानदार जो दिमाग है, उसकी जरूरत होती है. इट टेक्स अ ग्रेटर माइंड टू एप्रिशिएट दिस गुड. दूसरों की सराहना करने के लिए, दूसरों को एप्रिशिएट करने के लिए आपके पास एक अच्छा माइंड, ग्रेटर माइंड होना चाहिए कि हम दूसरों की बुराई नहीं, अगर उनमें अच्छी चीजें हैं तो हम उन्हें भी देखेंगे और उन्हें एप्रिशिएट करेंगे. A group of children were shown a pure white sheet. एक बच्चों के ग्रुप को क्या दिखाया गया? एक white sheet दिखाई गई. There was a black spot in one corner. और एक कोने पर क्या था? एक black color का काला धब्बा था, black spot था. The teacher asked them to describe what they saw. जो उनके टीचर थे, उन्होंने उसे बोला, उनसे पूछा कि उन्होंने जो भी देखा है उसे वो डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है. They all spoke about the black spot. और उन सबने किसके बारे में बात की? उस एक black spot के बारे में सबने बात की. No one spoke about the big white sheet. किसी ने भी उस बड़ी सफेद जो sheet थी उसके बारे में नहीं कहा. How sad. ये कितनी दुख की बात है. This is often our case. और ऐसा ही हमारे केस में भी होता है. मीन्स ये हमारा भी ऐसा ही मामला है. हमें सामने वाले की सिर्फ जो बुराइयां हैं, बैड हैबिट्स हैं, वही दिखाई देती हैं. हमें उनकी गुड थिंग्स दिखाई नहीं देती हैं. We fail to see the great good. हम जो अच्छी चीजें हैं उन्हें देखने में हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं. We invariably notice the minor evil. और हम उनकी छोटी से छोटी जो minor evils हैं, मामूली जो बुराई है उसके अंदर, उसे भी हम क्या करते हैं? Notice करते हैं.
A child deliver a beautiful speech. एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, okay? And he forgets a line. और इस स्पीच में वो एक लाइन भूल जाता है. Do we forget all the qualities of the speech and blame the child for one mistake? तो क्या हम उस बच्चे के सभी गुणों को, सभी क्वालिटीज को भूल जाएंगे जो भी उसने उस स्पीच में दी हैं, एंड उस बच्चे को उसकी एक मिस्टेक के लिए हम दोषी मानते हैं? An incident is narrated in Dale Carnegie's life. ये एक डेल कार्नेगी के जीवन की घटना है. He was in a departmental store when a very plain lady walked in. जब वो एक departmental store के अंदर थे तो एक बहुत ही सीधी सादी महिला उनके department store में आई. Like many others, कार्नेगी watched her for some time. और दूसरों की तरह कार्नेगी ने उन्हें कुछ टाइम तक देखा. Then he went up to her and said boldly, "Madam, you have beautiful hair. It is really nice." He said what he felt. और उसके बाद उन्होंने कुछ देर उस औरत को देखा और उसके बाद वो उसके पास गए and उन्होंने बोला, "Madam, आपके बाल बहुत सुंदर हैं. ये बहुत ही अच्छे हैं." उसने जो feel किया, जो महसूस किया, वही उसने कहा. The lady was surprised and kept on staring at him. जो लेडी थी वो बहुत ही सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, एंड वो उसे कुछ समय तक घूरती रही. After about a year, Carnegie received a call from the attorney. और कुछ समय बाद जो कार्नेगी थे उन्हें एक वकील की तरफ से क्या आया, फोन आया. And he said that a lady in Los Angeles had died, leaving all her property to Carnegie. Los Angeles में एक जो lady है, औरत है, उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति है, property है जितनी भी, वो Carnegie के नाम कर दिए उन्होंने. Means Carnegie को अपनी जितनी भी property है वो दी है. On further inquiry, he was told that it was the lady whom he had appreciated in the departmental store. और आगे की पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह वही महिला है जिसका उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर में जिसकी प्रेज की थी, उसे अप्रिशिएट किया था, उसकी तारीफ की थी उन्होंने. She had taken his address from the store manager. उन्होंने स्टोर मैनेजर से कार्नेगी का एड्रेस ले लिया था. And Carnegie found something good which perhaps no one else noticed. और कार्नेगी ने शायद उनमें कुछ ऐसा अच्छा मिला कार्नेगी को जो शायद किसी और ने नोटिस नहीं किया था, किसी और ने नहीं देखा था. The lady who was ridiculed by everyone was very happy when someone said something good about her. जो वो औरत थी वो बहुत ही, उनका सबने, किसने, सबने क्या किया था, मजाक उड़ाया था. ओके, द लेडी हु वॉज रिडिक्यूल्ड बाय एवरीवन, ऐसी औरत जिसका सभी ने मजाक उड़ाया था, वो उस वक्त बहुत खुश हुई थी जब किसी ने उसकी तारीफ की थी और उसके बारे में कुछ अच्छा कहा था. कार्नेगी ने उसके हेयर्स की तारीफ की थी ना, तो उस लेडी का सब क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे. इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो गई जब कार्नेगी ने उनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे. We like other to appreciate us. हम दूसरों को पसंद करते हैं, okay? And others too are like us. और जो दूसरे हैं वो भी हमें, दूसरों को appreciate करना, सराहना करना हमें पसंद है. And दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी यही पसंद है कि वो उनकी भी कोई क्या करे, तारीफ करे. They also want to be appreciated. वो भी ये चाहते हैं कि उनकी कोई तारीफ करे. Should we not develop the habit of appreciating others? क्या हमें दूसरों की सराहना करने की जो आदत है या जो हैबिट है वो डेवलप नहीं करनी चाहिए, विकसित नहीं करनी चाहिए? Among those we appreciated, we should include God, our Father and Creator. और हम जिन दूसरे लोगों की हम सराहना करते हैं उनमें भगवान जो हमारे पिता हैं, हमारे जो निर्माता हैं, उन्हें हमें शामिल करना चाहिए. मीन्स उनकी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है. ही इज गुडनेस इटसेल्फ, वो स्वयं एक अच्छाई है. जो गॉड है वो एक स्वयं एक अच्छाई है. सो लेट अस अप्रिशिएट एंड प्रेज हिम फॉर हिज वंडरफुल क्रिएशन, द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ नेचर
with its plants and animals and for all the man, woman and children in it. तो हमें भगवान की इस चीज के लिए क्या करनी चाहिए, हमें उनकी अद्भुत रचना की, मीन्स वंडरफुल क्रिएशन की, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ नेचर, उनकी जो प्रकृति की सुंदरता है जिसमें उन्होंने जानवरों को, पेड़ पौधों को बनाया, और इस दुनिया के जितने भी मैन हैं, वुमेन हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए उनकी सराहना और प्रशंसा हमें करनी चाहिए. ओके, आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड आफ्टर सम टाइम आपके पास में इसका रिकॉर्डेड वीडियो एंड पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएंगे. ओके, टिल देन कीप सेफ, कीप होम.